नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे, और मैं हूँ आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों, आज 1 जून 2022 डेट है और टाइम हो रहा है 1:14 PM। और दोस्तों, यहाँ पे अगर निफ्टी की पोजीशन देखें तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे निफ्टी खड़ा हुआ है। तो आप लोगों को मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि एक सपोर्ट जोन ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रांग ओआई भी बिल्डअप है। देखिए 16,500 के पास में जा सकता है, ये हो सकता है वहाँ से ये फिर से एक ऊपर की रैली दिखा भी सकता है। तो देखिए, यहाँ से मैंने जो आप लोगों को मैं ये इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग ऑप्शन बायर अगर बनेंगे तो आप लोग यहाँ पे जैसे मार्केट एक साइडवेज जोन में बना हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लॉसेस होते रहेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग एक छोटे अकाउंट पे मैंने बनाई हुई थी, जिसमें मैंने 35,500 की सी को यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, यानी सेल किया हुआ था, और 35,400 की पी को भी यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ था, और यहाँ पे 16,450 की पी को भी यहाँ पे राइट किया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट भी मेरे निकले हैं। बैंक निफ्टी पे 3,746 का प्रॉफिट है, और 35,400 की पी पे जो है 85 का ही मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट किया हुआ है कारणवश। और यहाँ पे मैंने जो है एक 16,450 की पी को भी राइट किया होता है, जिसमें 1,000 का बेनिफिट ओवरऑल निकला हुआ है। तो अभी मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 5,300-5,400 के आसपास चल रहा है। और अभी मेरे देखिए रनिंग पोजीशन है, ओपन जो पोजीशन है मेरी, ये निफ्टी पे 16,800 की सी को मैंने राइड किया हुआ है 17.4 रुपीज़ पे। और अभी प्रेजेंट में देखें तो आप यहाँ पे मेरे को करीब करीब 500-600 के आसपास का बेनिफिट इसमें चल रहा है, और इसमें मैक्स प्रॉफिट मेरा 1,700 के आसपास तक ही होना है, क्योंकि लिमिटेड प्रॉफिट है मेरा। लेकिन कन्फर्म है ये मुझे मिलेगा, लेकिन मैं अब यहाँ पे वेट शायद ना भी करूँ। क्यों ना करूँ ये भी आपको दिखा देता हूँ। 5,400 के आसपास का बेनिफिट है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने चार्ट पे आप लोगों को दिखाया कि एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ से क्यों निकलना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन राइटर्स इसीलिए पैसे कमाते हैं मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स लालच में नहीं पड़ते हैं। मैंने कल पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे आज मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करके एग्जिट भी लेना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा OI, देखिएगा 16,500 का OI जो है 82.1 मिलियन का OI यहाँ पे बना हुआ है, यानी 8.201 का मिलियन का OI बिल्डअप है, यानी 82 लाख का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16,600 पे 81 लाख का OI बिल्डअप है। तो देखिए 82, और यहाँ पे कॉल साइड में 16,500 की कॉल साइड में देखेंगे तो 3.3 मिलियन का OI बिल्डअप है, यानी 33 लाख का OI बिल्डअप है। तो देखिए 16,500 के नीचे मार्केट इतना ईजी तो नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, और 16,600 के ऊपर भी जाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इसी रेंज में घूमे और 16,600 को एक बार ये शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ब्रेक भी कर सकता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैं मार्केट से एग्जिट लेना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी फॉर्मेशन हो रही है। तो चलिए हम यहाँ से मार्केट से एग्जिट होना चाहेंगे। तो देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन राइटिंग में आप फोकस करिए, और मार्केट में आपका अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। तो अभी प्रेजेंट में 5,400 समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट है, और मेरी प्रीमियम देखिए 17 रुपीज़ की प्रीमियम थी, 2 ही लॉट मैंने शॉर्ट किए थे, इसमें ज़्यादा नहीं था। इसमें मैं दोनों लॉट को एग्जिट भी करना चाहूँगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं 1,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए और बैठा रहा तो हो सकता है मुझे ये चीज़ उल्टी भी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ से देखिए आप एक जो है इसमें आपको एक डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ से आपको पता है कि एक सपोर्ट जोन है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है हमारे नीचे के लेवल भी इसमें मैंने ड्रॉ करे हुए हैं, तो हो सकता है 16,322 तक भी जाए। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर का लेवल मुझे
ऐसा लग रहा है कि एक बार ये दिखा सकता है 16,625 to 30 का। तो वहाँ पे मेरी जो प्रीमियम है, जो मेरा मुनाफा है, तो वो मुनाफा मेरा करीब 1,000-1,500 कम भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मार्केट से एग्जिट करना चाहेंगे। और ये जो आप पोजिशन पर ध्यान मत दीजिएगा, 17,950 की सी को जो मैंने यहाँ पर बाई किया हुआ है और इसमें 41 rupees का लॉस है, ये मैंने हेजिंग ऐसी नॉर्मल हेजिंग करी है। नॉर्मल हेजिंग मतलब मार्जिन को कम करने के लिए, यहाँ पे मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे 2 lot को बाय भी किया हो, तो इससे मुझे ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप लोग फोकस करें। तो यहाँ पे 5400 का हम जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं सभी पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार पलट भी सकता है और रुकूंगा तो हो सकता है 11 rupees की प्रीमियम कल तक 0 भी हो जाए, लेकिन मैं वहां पे फिर से उसके अगेंस्ट में कुछ पोजीशन बनाऊंगा जहां पे मुझे प्रीमियम थोड़ी सी 11 rupees से ज़्यादा का मिलेगी। तो चलिए पहले इसे एग्जिट करते हम। ये लीजिए, मैंने सभी ऑर्डर क्लोज्ड कर दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आया है 5,407 rupees and 50 paise का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पेंडिंग ऑर्डर कोई भी नहीं है और मैं यहाँ पे फ्री हो गया हूँ, क्योंकि अब मार्केट में कुछ एक बड़ी मूवमेंट जब आएगी तो हम वहाँ से एक फिर से पोजीशन पी या सी साइड पर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों। वेट करना भी मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपकी आप अभी तक मार्केट ने आपके हिसाब से यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि एक अप रैली आ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वेट करना चाहेंगे और मार्केट जैसे भी एक ऊपर की रैली देता है तो फिर से हम वहाँ पे एक सी साइड पे पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी आपको मैं ड्रॉ करके इसमें दिखाना चाहूँगा, अगर इस लेवल में ये जाता है तो मैं फिर से वहाँ से एक पोजीशन ले सकता हूँ, क्योंकि आज वेडनेसडे का दिन है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। जिस तरफ भी मार्केट जाएगा उस तरफ जो है मान के चलिए एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने फिर से जा सकता है। 16,600 के आसपास मार्केट फिर से जा सकता है और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक देता है तो डेफिनेटली कुछ ऊपर की बड़ी मूवमेंट हमें एक्सपायरी के दिन यानी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल में है ये मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट जोन में चल रहा है, इसलिए हमने अपनी पोजिशन को एग्जिट किया है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अगर आपको ऑप्शन राइटर हैं आप तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बहुत बड़े बेनिफिट के लिए नहीं जाना है, आपको छोटे छोटे बेनिफिट निकालने और परसेंटेज वाइज जब भी इस चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही बड़े बेनिफिट आपके निकल के इसमें आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी आप लोगों को जो वीडियो देने का मकसद यही रहता है कि आप लोग भी मोटिवेट हों और ऑप्शन सेलिंग में आएँ। ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन बाइंग में भी बनेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो आप मेरी क्लोज्ड पोजीशन एक बार देख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन में मेरी 35,400 पे देखिए छोटा सा मुनाफा है, लेकिन मुनाफा है। और इसके बाद 16,800 के सी को भी मैंने यहाँ पे 559 rupees के मुनाफे के साथ कट किया है। और एक मेरा छोटा सा लॉस है आप देख सकते हैं, जो कि 17,950 को जो मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए हैच किया हुआ था, तो इसमें 46 rupees का लॉस है। और निफ्टी पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 16,450 की पी पे 1,000 है और 35,500 की सी को जो शॉर्ट किया था 3,700 rupees का बेनिफिट उसमें भी है। तो ओवरऑल देखिए मैं यहाँ से फ्री हो रहा हूँ और मेरी पोजिशन अब मुझे क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बनानी है और मेरी हो सकता है आज फिर से पोजीशन बनाऊं, हो सकता है उसे कल मैं कट कर दूं, कल फिर नई पोजीशन बनाऊं। तो देखता हूं मार्केट में एक मूवमेंट चाहिए मुझे बड़ी, तो जैसे ही बड़ी मूवमेंट आएगी तो मैं वहां पे पोजीशन बिल्डअप करूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि लर्निंग पर्पज से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएँ। और उम्मीद है कि जो भी नए बंदे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप लोगों को लर्निंग पर्पज से मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।